सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज और मिरर के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले हम लेंसेज के बारे में जान लेते हैं। हम यहाँ पर मेजर डिफरेंस के बारे में ही जानेंगे। लेंस, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसिज। दे आर टू टाइप ऑफ लेंसेज, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले मैं आपको कनकेव लेंस के बारे में बता देता हूँ। कनकेव लेंस, इट इज़ थिन एट दी सेंटर। ये सेंटर में थिन होता है, मतलब पतला होता है, और थिक एट दी एजेस, ये मोटा हो जाता है एजेस पर, और ये इमेज को छोटी दिखाता है। ये देख सकते हैं आप, ये इमेज को छोटी कर देता है। इसे हम डाइवर्जेंट भी कह देते हैं। उसी प्रकार कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन है, इट इज़ थिक एट दी सेंटर, मतलब ये बीच में से मोटा होता है और एजेस पे आकर थिन हो जाता है। ये देख सकते हैं, ये इमेज को बड़ी कर देता है। ये देख सकते हैं आप, इसे हम कन्वर्जेंट भी कह देते हैं। यही थे मेजर डिफरेंस लेंसेज के। सो गाइस, अब हम मिरर के बीच के डिफरेंस को जान लेते हैं। मिरर क्या होता है? और स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होल स्फेयर हुज वन साइड इज पॉलिश्ड। जो मिरर होता है उसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है। सबसे पहले हम कनकेव मिरर के बारे में जान लेते हैं। कनकेव मिरर, और स्फेरिकल मिरर हुज आउटर साइड इज पॉलिश्ड इज कॉल्ड कनकेव स्फेरिकल मिरर। जिसकी आउटर साइड पॉलिश्ड होती है उसे हम कनकेव मिरर कह देते हैं, और इसके अंदर जो इमेज फॉर्म होती है वो बड़ी होती है। ये देख सकते हैं आप, ये इमेज फॉर्म हो रही है बड़ी, और लेंसेज में, कनकेव लेंस में इमेज छोटी फॉर्म हो रही थी और मिरर में बड़ी फॉर्म हो रही है, आप देख सकते हैं। और इसके बीच में भी ऐसा ही होता है कि ये बीच में से थिन होता है और एजेस पे आकर थिक हो जाता है, पर मिरर में हमें ये जल्दी पता नहीं लगता, लेंसेज में हमें ये जल्दी पता लग जाता है। उसी प्रकार कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन है, और स्फेरिकल मिरर हुज इनर साइड इज पॉलिश्ड। जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी इनर साइड पॉलिश्ड होती है। इसके अंदर जो इमेज फॉर्म होती है वो छोटी होती है, ये देख सकते हैं आप, और कन्वेक्स लेंस में इमेज बड़ी फॉर्म हो रही थी। अब हम दोनों को साथ में रखकर देखते हैं। ये देखिए इमेज किस तरह बड़ी और छोटी फॉर्म हो रही है। ये कनकेव है और ये कन्वेक्स मिरर है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। अब हम इन दोनों के यूज़ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर, कनकेव मिरर यूज़ होता है टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। आप देख सकते हैं कि जी ये एक लाइट है टूटी हुई, मतलब ये लाइट नहीं है, उसका बीच का एक कोई पार्ट है। ये देख सकते हैं आप, ये जो चीज़ है इसे कनकेव मिरर कह देते हैं, ठीक है। ये लाइट के बीच का है, इसको हम कनकेव मिरर कह देते हैं। और कन्वेक्स मिरर का यूजेज है, कन्वेक्स मिरर इज़ यूज टू बाय ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड। आपने देखा होगा कि गाड़ी के साइड मिरर होते हैं, वहाँ पर कन्वेक्स मिरर लगा होता है, क्योंकि हमें पीछे से जो व्हीकल आ रहे होते हैं उनको देखना होता है। और कन्वेक्स मिरर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये इमेज को छोटा फॉर्म कर देता है, जिससे हमें देखने में आसानी हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।